हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू umarzone.com। इलस्ट्रेटर CS6 के ट्यूटोरियल पार्ट 61 में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग कैसे करनी होती है। हमारे पिछले ट्यूटोरियल में, ट्यूटोरियल पार्ट 60 में, आपने देखा कि इलस्ट्रेटर के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जनरल कैटेगरी ऑप्शंस का क्या इस्तेमाल है। और इस ट्यूटोरियल पार्ट 61 में हम देखेंगे कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर मार्क्स एंड ब्लीड्स का क्या इस्तेमाल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं अपना पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा जो हमने ट्यूटोरियल पार्ट 60 में क्रिएट किया था, और इसके अंदर हम फाइल में जाएंगे और प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। यह हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जैसा कि ट्यूटोरियल पार्ट 60 में हमने जो है इन सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ खेला था, जैसे कि फिट टू पेज, कस्टम और विजिबल प्रिंट, प्रिंट लेयर्स, मीडिया साइज, ये सारी चीज़ें। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह जो है पेज की टाइलिंग अगर आपको करना है तो उसको करेंगे। तो इसके लिए इसकी ब्लैंक आर्टबुक का जो है चेकबॉक्स को अनटिक करेंगे और इग्नोर आर्टबुक्स को मैं टिक करूँगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल आर्टबोर्ड्स है। आई हैव 3 आर्टबोर्ड्स इन माई डॉक्यूमेंट। तो टाइलिंग के लिए हमको जो है आर्टबोर्ड को जो है पहले एक करना होगा, फिर इसको हम फिट टू पेज करेंगे। अब फिट टू पेज के बाद जो है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइल फुल पेजेस। आप फिट टू पेज भी रख सकते हो या जो है आप पेज की जो टाइलिंग कर सकते हो। तो टाइल फुल पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो टाइलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके तीनों आर्टबोर्ड जो है एक ही पेज के अंदर आ गए, लेकिन हर पेज जो है वो एक टाइल हो गया। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको इसको 6 पेज में लाना है तो 6 पेज में आप ला सकते हो इसको आपको, ठीक है। यहाँ से आप जो है टाइल रेंज आप डिफाइन कर सकते हो, 1 to 4 पेजेस, 1 to 1। यहाँ से आप ओवरलैपिंग सेट कर सकते हो इसकी, ताकि आप इसको जब टाइलिंग को जब आप कटिंग करके एक दूसरे से पेस्ट करें तो आपको एक्स्ट्रा ओवरलैप का एरिया मिले। तो ये जो बीच में आप दो गटर्स देख रहे हैं, एक ये गटर है, 3 गटर्स है, 1, 2, 3, 3 गटर जो है आपका ओवरलैपिंग एरिया है। स्केल यहाँ से आप इसकी सेट कर सकते हो 110। तो जैसे जैसे आप स्केलिंग इसकी सेट करोगे वैसा वैसा पेजेस आपके बढ़ते रहेंगे। टाइल इमेजेबल एरियाज और टाइल फुल पेज एरियाज। तो टाइल फुल पेज एरियाज रखेंगे, 150 का आप करोगे तो वापस आपके डॉक्यूमेंट्स में पेज साइज बढ़ जाएंगे। इसको ऐसे करें और इसको 200 करें, इसको 800 करें, तो आपकी 800 पेजेस A4 साइज के आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं A4 सिलेक्ट करूँगा तो हम जो है 800 हम जो इतने पेजेस हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हमारे अभी डॉक्यूमेंट की विड्थ 800 है और डॉक्यूमेंट की हाइट 800 है, ठीक है। तो फिलहाल इसको 100% करेंगे और टोटल 1, 2, 3, 4, 8 हमारे A4 साइज के पेजेस है। तो ये हमारा टाइलिंग का ऑप्शन जो जनरल कैटेगरी के ऑप्शंस में अवेलेबल है, ये आपको मैंने अभी समझाया। आइए अब जो है हम, जैसे कि ये ट्यूटोरियल मार्क्स एंड ब्लीड्स के बारे में है, तो हम मार्क्स एंड ब्लीड्स के कैटेगरी ऑप्शन कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ पर जो है हमको मार्क्स एंड ब्लीड्स का ऑप्शन मिलेगा और ब्लीड्स का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर आप यहाँ से हम जो है ऑल प्रिंटर्स मार्क्स, ये सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट में हमारे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से जो है प्रिंटर मार्क टाइप आप रोमन है कि जापनीज है, ये आप सेट कर सकते हो। ट्रिम मार्क वेट जो है आप उसका 0.5 करें। ऑफसेट आप 1 इंच कर सकते हैं कि कितना दूर जो है ये प्रिंटिंग और टाइलिंग के जो है मार्क्स है वो कितना दूर जो है आर्टबोर्ड से आए। 0.5 करोगे तो 0.5 इंच ये दूर जाएंगे, 3 इंच करोगे तो 3 इंच एक्सेप्ट नहीं करेगा। 0.1 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, लास्ट जो है इसमें मार्क्स एंड ब्लीड्स जो है उसका ऑफसेट लास्ट जो है 1 इंच है, ओके। तो ये हमारा हो गया मार्क्स एंड ब्लीड्स का सेक्शन।
अगर आपको सिर्फ ट्रिम मार्क चाहिए तो आप सिर्फ ट्रिम मार्क सिलेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मार्क, कलर बार्स, पेज, रजिस्ट्रेशन जो है मार्क्स, और रजिस्ट्रेशन मार्क्स जो है जब आप बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोसेस प्रिंटिंग यानी कमर्शियल प्रिंटिंग में देते हैं तो जो है चार प्लेट्स बनती है, चार लेयर्स में जो है हमारा डॉक्यूमेंट प्लेट्स को बनाता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स चार लेयर्स में जो है फाइल को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें पहला होता है सियान, दूसरा जो लेयर या प्लेट होती है मजेंटा, तीसरा होता है येलो और चौथा प्लेट होता है ब्लैक। तो ये चार अलग अलग लेयर्स, चार अलग अलग प्लेट्स बनती है, चारों प्लेट्स को जब एक साथ रखते हैं हम लोग, उसके बाद जो है फोर कलर्स एट अ टाइम, फोर कलर्स वन बाय वन डॉक्यूमेंट पे प्रिंट होते हैं। पहले सियान प्रिंट होता है, फिर वो ड्रम से निकल के आगे जाता है, फिर उसके बाद सियान मजेंटा प्रिंट होता है, फिर उसके बाद वो थर्ड ड्रम में जाता है जो ड्रम येलो कलर का है, फिर येलो के बाईपास होके जो है हमारा जो है पेपर या हमारा डॉक्यूमेंट जो है लास्ट ड्रम में जाता है जो ब्लैक होता है। तो सियान मजेंटा येलो ब्लैक, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक के ऊपर एक बराबर प्रिंट होने के लिए जो है हम जो है रजिस्ट्रेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके साथ कलर बार्स, ताकि आपको ये मालूम पड़े अगर सियान का प्रिंट हो रहा है तो उसमें सियान सियान का जो अगर हमारा ड्रम है, ये सियान की जो हमारी लेयर है, वो प्लेट जो है अगर उस पर प्रिंट हो रही है तो उसके ऊपर सियान की डेंसिटी आएगी, अगर ये येलो है तो येलो की डेंसिटी के कलर बार्स उस पर पेपर पर प्रिंट होंगे। तो ये कलर बार्स, ये पेज इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस आप दे सकते हो ट्रिम मार्क की, ताकि जब डॉक्यूमेंट सारा फाइनल प्रिंट होने के बाद उसको अगर आपको कटिंग करनी है तो जो है कटिंग मशीन के अंदर जाएगा, जो प्रोग्राम कटिंग मशीन हो या मैनुअल कटिंग मशीन हो, दो टाइप की मशीन है जिससे आप पेपर को कटिंग कर सकते हो, एक प्रोग्राम कटिंग मशीन, दूसरा मैनुअल मशीन। तो ये ट्रिम मार्क्स से के ज़रिए जो है आप पेपर की कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मार्क्स एंड ब्लीड्स का सेक्शन। हमारे जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल पार्ट 62 में हम आउटपुट के सेक्शन के बारे में सीखेंगे कि किस तरह जो है आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस प्रिंटिंग के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रिंट फाइल आप उस प्रोसेस प्रिंटिंग के लिए तैयार कर सकते हो, किस तरह आप सेपरेशन कर सकते हो। तो उस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिए, ट्यूटोरियल पार्ट 62। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ट्यूटोरियल पार्ट 61 मार्क्स एंड ब्लीड समझ में आया होगा। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।